भाई ये गरीब और गुरु का गुरु क्या बोल रहे हैं हाइड्रा का, अरे बकचोदी है गाइस, लिटरली बकचोदी। खैर मैं तो था ही नहीं बोलना दो दिन, मेरे पास इंटरनेट नहीं था तो मेरे को पता नहीं था, इंटरनेट नहीं था, नेटवर्क भी नहीं था वहाँ पे जहाँ जंगलों में हम लोग को बंद कर दिया गया था। एक सेकेंड उस साइड वाला ब्रिज पकड़ते हैं ब्रो। तो हाँ दूसरी बात ये कि वो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है, ठीक है, उसमें गुरु कुछ बोल रहा है, गरीब कुछ बोल रहा है और इन दोनों का चूतिया काट दिया वो ब्लो जॉब बाबा जी ने, ठीक है। मतलब 6 महीने पुरानी वो रिकॉर्डिंग है मेरे ख्याल से, जैसे गुरु ने मुझे बताया 6 या 7 महीने पुरानी रिकॉर्डिंग है वो, और इसमें इन लोग का चूतिया काट दिया उस बंदे ने। और जैसे गरीब बोल रहा है कि मेरे रिकॉर्डिंग में ये है, मेरे रिकॉर्डिंग में वो है, ऐसा है वैसा है, तो भाई सबसे पहली बात तो मेरे को झाट फ़र्क नहीं पड़ता रिकॉर्डिंग में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो जो कह रहा है ना कि क्या कहते हैं अपना हाइड्रा बर्बाद हो जाएगा या हाइड्रा ये हो जाएगा, अबे जोन उस तरह ब्रो। हाँ चल 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 जोन जोन में कैंप करते ब्रो चल। हाँ तो दूसरी बात ये कि हाइड्रा जैसे वो कह रहा है कि हाइड्रा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो भाई मैं कोई गाली गलौच नहीं करूँगा यहाँ पे किसी के लिए, ठीक है। मैं एक ही वर्ड बोलूँगा कि हाइड्रा कोई मतलब ये नहीं है, क्या कहते हैं उसको, खैरात नहीं है जो ऐसे ही यू नो ख़त्म हो जाए या ऐसे ही बर्बाद हो जाए। हाइड्रा को पब्लिक ने बनाया है, हाइड्रा के हर एक बंदे को पब्लिक ने बनाया है और पब्लिक जानती कि कौन कब से मेहनत कर रहा है, कौन कितने टाइम से ग्राइंडिंग कर रहा है बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो स्ट्रीमिंग हो, चाहे वो कंटेंट हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो जब पब्लिक बड़ा कर सकती है तो पब्लिक ये भी जानती कि भाई हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ छूते आके अगर ऐसी बकचोदी फैलाएंगे और उनके इन्फ्लुएंस में आके कुछ लोग अगर करेंगे तो मेरे को लगता नहीं कि हाइड्रा को घंटा फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। खैर मुझे तो मुझे नहीं पड़ता और मुझे पता है कि हाइड्रा को भी नहीं पड़ता, और गाइस ये चीज़ आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इन सब चीज़ों का, क्योंकि जिन लोगों का चैनल, जैसे पहले तो ये बात होती थी राइट, जिन लोगों का चैनल नहीं चलता वो बेसिकली यही हरकतें करते हैं, ठीक है। अब अगर लाइव एग्जांपल दूँ तो उस रिकॉर्डिंग में मेरी बात कहीं पे भी नहीं है, उस रिकॉर्डिंग में मेरा नाम तक कहीं पे भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे थंबनेल में मेरी फ़ोटो समझ रहे हो, तो बस वही बात है गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप भी अपना। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहो, यू नो जितना हो सके उतना आप दूर रहो, आप कंटेंट पे फोकस करो, स्ट्रीम पे फोकस करो, पब्लिक पे फोकस करो एंड अपने क्रिएटर पे फोकस करो। क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है ठीक है। अरे मेरे हाथ में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है यार, एक सेकेंड, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों पे फोकस करो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा गाइस, ना कि कोई कंट्रोवर्सी पे पढ़ो, ना कि किसी को बढ़ावा दो, किस चीज़ को बढ़ावा दो, ठीक है। इन सब चीज़ों को बढ़ावा ना ही दोगे तो ऐसा रहेगा। और आप जानते हो गाइस मैं हाइड्रा को कब से ये कर रहा हूँ, मतलब मैं कब से हाइड्रा चला रहा हूँ, कितने मतलब 1 साल हो गया 2 साल हो गया मैं तब से हाइड्रा के पीछे मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो चूतिया के वीडियो बनाते हैं ना इनका कुछ नहीं जाता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना कि जो इंसान मेहनत कर रहा है उस पर, जैसे आप अभी मेरे को एक बंदे ने भी सुपर चैट किया तब मैंने पढ़ा कि हाइड्रा एक्सपोज वगैरह, तो आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ गाइस। इन लोगों ने 1 मिलियन पे, जब मेरा चैनल 1 मिलियन पे भी नहीं था, जब मैं जस्ट 1 मिलियन होने वाला था, तब इन लोगों ने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए कि डायनामो हैकर है, ऐसा है वैसा है, और मैंने तब भी बोला था कि भाई तुम कितना वीडियो बनाना बना लो, मैं तुमको 2 मिलियन करके दिखाऊंगा। आज 1 मिलियन टच कर रहा हूं, मैं 2 मिलियन करके दिखाऊंगा, मैं 2 मिलियन करके दिखा दिया, मैं 3 मिलियन करके दिखा दिया, 4 करके दिखा दिया, 5 करके दिखा दिया, और भाई भगवान की दया से और तुम सबके सपोर्ट से आज 6 मिलियन भी करके दिखा दिया, और ये चूतिया वीडियो बनाते ही रह गए, ठीक है। तो बस ये गाइस ये छोटा सा एग्जांपल है आप सभी के लिए, मैं आपको यही चीज़, अरे भाई ओ मेरे को लगा सच में बारिश होने वाली है, हेडफोन से आवाज़ आई तो ओके। तो गाइस यही मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा, यू नो थोड़ा आप देखो कि इस मार्केट में पहले कौन आया, किसने स्टार्ट की, कम्युनिटी किसने स्टार्ट की, पबजी मोबाइल किसने इंडिया में लाया, कौन पहले स्ट्रीम करता था, तो कैसे कैसे ये सारी चीज़ें ग्रो हुई, यू नो आप सब ने कैसे सपोर्ट किया, ये सब चीज़ें आप सोचो देखो और फिर डिसाइड करो कि कौन क्या बोल रहा है और कौन किसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। ये जो ये आजकल जो आटू छाटू बोलते हैं ना, हाइड्रा एक्सपोज और ये डायनामो हैकर,
ये रोज आके गली में खड़े रहते हैं सेल्फी क्लिक करने के लिए, डायनो भाई करके। सामने इनकी गांड पड़ जाती है और पीठ पीछे ये बकचोदी करते हैं। तो इन लोगों के लिए कुछ नहीं है गाइज, मैं आप लोग को बोलूँगा, आप समझदार ऑडियंस हो। उन लोग की ऑडियंस पता नहीं क्या है, समझदार है ना समझ है, मतलब चूतिया है, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है भाई, एक कहावत सुनी थी मैंने एक बड़े बुजुर्ग से, जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों को नीचा गिराने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो बस वही है गाइज, आप यही थोड़ा समझ जाओ आप, है कि नहीं। और रही बात अगर आप मुझसे पूछोगे कि उसने आपके बारे में ये बोला, इसने आपके बारे में ये बोला, तो भाई देखो मैं अपनी मेहनत से जवाब देता हूँ, मैं अपने कंटेंट से जवाब देता हूँ, मैं अपने चैनल से जवाब देता हूँ। ठीक है, ये है मेरा जवाब देने का तरीका। मैं पीठ पीछे नहीं भौंकता।